जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं संत जी महाराज और इनकी बहुत बड़ी जगह, ये मौन रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं, अपने काम, लेकिन वास्तव में ये तपस्वी मूर्ति हैं। आप इनकी जटा को देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो इस वीडियो के माध्यम से जूम करके दिखाएं ताकि श्रद्धालुओं को पता चले। बहुत ही तपस्वी मूर्ति हैं, अपने काम से काम रहते हैं, किसी से कोई विशेष चर्चा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, महाराज जी जो है नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का पाठ और भगवान श्री राम की कीर्तन इत्यादि में सभी जगह सहभागिता देते हैं और अपने काम से काम रहते हैं। भोजन प्रसाद भजन ही मात्र काम है। बहुत ही तपस्वी मूर्ति हैं और बहुत ही कम बात करते हैं, लोगों से ज्यादा बात करना ये पसंद नहीं करते हैं। और मैं जब से आश्रम में देख रहा हूँ, ये अपने काम से काम रहते हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं करते हैं। बड़ी तपस्वी मूर्ति है। और आप सब चित्रकूट में ऐसे भी दिव्य भव्य विभूतियां और संतों को देख सकते हैं, दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा अधिक समय और ज्यादा वो रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा शायद बात करने का, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि वह किसी से आज तक बात नहीं किए हैं। जब भी होता है अपना एकांत रहते हैं, स्वतंत्रता से भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने में ही रमे रहते हैं। यह पंजाबी भगवान आश्रम में बहुत सारे साधु संत यहाँ पर हमेशा रहते हैं और सभी संतों साधु संत सेवा के लिए यहाँ लगातार गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी गरीब असहाय कोई भी किसी प्रकार का आ जाए, संस्था में सभी लोगों का सहयोग और रहने की व्यवस्था दी जाती है, फ्री में है, भोजन की व्यवस्था फ्री में। श्रद्धा अनुसार जो श्रद्धालु चाहे वो दान भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके यहाँ यही लक्ष्य संस्था का है, पंजाबी भगवान आश्रम गुरुकुल आश्रम का है कि ताकि गरीब असहाय साधु संत विद्यार्थी सभी का भला हो सके और सभी के लिए लगातार यहाँ पर सेवा की जा रही है। लगातार अनवरत कई वर्षों से चल रही है सेवा और इस सेवा को लगातार बनाए रखने के लिए पूज्य महाराज जी का संकल्प और आशीर्वाद उनका लगातार बना हुआ। लोग दूर दूराज से भी, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, दिल्ली, सभी जगह से लोग आकर के सहयोग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, जैसा कि आप लोगों में दिखाने का प्रयास किया। जय श्री राम। एक काम करो, इनका अलग से वीडियो बनाना, मैं बताऊंगा। आज गुरु पूर्णिमा के नाम से बनाएंगे। कैसे हैं दोस्तों, जैसा कि आप सब लगातार देख रहे हैं कि YouTube के माध्यम से कुछ न कुछ आपको जानकारी, क्षेत्रों की जानकारी, धार्मिक स्थलों की जानकारी दी जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के आश्रम के पास कितनी भीड़ है, कैसी है, लोग चित्रकूट में कैसे आ जा रहे हैं, उन्हीं के आश्रम चल रहे हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं धूप बहुत है और मुझे लगा कि एक ब्लॉग देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग सपोर्ट करिए, धूप में है, कम से कम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि धूप भयानक है, लगभग एक बजने वाले हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को अब कुछ जानकारी देना चाहिए चित्रकूट की, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भीड़ अब कितना ज़्यादा लग गई है। साधन Thank you.